अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चौधरी बैठे के साथ चौधरी बताते खुद हैं जी, और नासिर राजा हमारे साथ हमेशा की तरह। मैं कहीं शायद आप मुझे भूल गए चौधरी साहब, नहीं नहीं बहुत डर लगता है, आप किसी को इग्नोर कर देते हैं। चौधरी के साथ हर वक्त तो कोई ना कोई सूफी नजमी राजा शाजा रहता है। बड़ी मेहरबानी चौधरी साहब, बड़ी मेहरबानी। शायद तो वह चला गया ना। जी जी जी, तो तेरे वर्गा कोई सियाना बंदा चाहिए थी। हाँ नहीं नहीं, बड़ी मेहरबानी आपकी। आज हम एक और सियाने बंदे के पास आए हैं। अच्छा अच्छा, और मैं उनके पास इस वजह से आया हूँ कि उनके जो वाले साहब थे ना, जी जी जी, उन्होंने हमारे वाले साहब के साथ सियासत शुरू की थी। वाह वाह वाह। तो आजकल वो आपको पता है पीपल्स पार्टी में सेक्रेटरी जनरल थे पंजाब के, इस्तीफा दे दिया। सुना को नाराज सराज हैं। तो मैंने कहा उनके इस्तीफे और नाराजगी का फायदा उठाएं। जी जी, तो उनको कहे जी काफ लीग में आ जाएं। है तो मुश्किल काम, लेकिन आप बात तो कर लें। हमारी जी बात असल मुस्लिम लीग, असल मुस्लिम। जी जी, असल मुस्लिम बात कर लें। नदीम अफजल चैन साहब। जी जी, माशाल्लाह, साबिक चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और नाज़रीन बड़े अच्छे इंसान हैं, बात करते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है साहब, मेहरबानी आपकी। तो आए ना फिर हमारे साथ ही आ जाएं। आपको पता है पीपल्स पार्टी और काफ लीग का तो वैसे भी चोली दामन का साथ है। वैसे भी तारीखी पस मंजर में जब भी चौधरी परवेज लाई साहब और मियां नवाज शरीफ की लड़ाई हुई, उस पंजाब में आपके साथ पांच बंदे ही बचे थे। मखदूम अल्ताफ और मेरे वालिद साहब और दो तीन और थे। वाह वाह वाह, क्या बात याद करा दिया। क्योंकि आपको मुश्किल लगे मैं पांच छह ही आपके पास रह जाते हैं। लेकिन शुक्र करें रह जाते हैं। आप चाहते हैं कि वो पांच छह में मैं भी शामिल हो जाऊँ। ये देखें, ये पते की बात की आपने। लेकिन हमने अफजल चंद साहब ये सुना है कि आपके झुकाव जो है या दिमाग के किसी कोने में या दिल के किसी कोने में पीटीआई की मोहब्बत जाग रही है, क्या ऐसी बात दुरुस्त है? नहीं नहीं, हमारी मोहब्बत जाग रही है। यार ये हमारे बलवाल बेरा गुजरात नेड़े नेड़े है। पूछने में क्या हर्ज है? हमसे ख्याल कर देने वाले। ठीक है, पूछने में क्या हर्ज है, पूछ ले। देखें, मेरी मोहब्बत जो है ना, वो मेरी पहली मोहब्बत तो पीपल पार्टी ही है जी। तो बाकी सियासत में कोई चीज़ अरफे आखर नहीं होती, और मैं पोलिटिकल कारकुन हूँ, और मैं चेयरमैन बलावल की टीम का हिस्सा हूँ। जरदारी साहब भी प्यार करते हैं और चेयरमैन साहब भी बड़ी मेहरबानी करते हैं। अभी तक वैसे मैंने सोचा नहीं, और मुझे कोई पार्टी पीपल्स पार्टी से बेहतर नहीं लगी। नहीं, अगर बेहतर नहीं लगी तो फिर आप, अगर बेहतर होती तो शायद मैं सोचता। नहीं, नोट करो, नोट करो, ये बात है। नहीं, नहीं, नोट 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 करें, नोट करें। उन्होंने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी उनके चेयरमैन है, जरदारी साहब का नाम बाद में लिया। लेकिन आपकी बरादरी के बहुत सारे लोग तो पीटीआई में चले गए हैं। देखिए, वो मंडी बाउद्दीन में सियासत करते हैं, और मंडी बाउद्दीन में धड़े बंदियों की सियासत होती है। मंडी बाउद्दीन में दो किस्म के वोट हैं, एक प्रो चौधरी वोट और एक एंटी चौधरी वोट। सही, हमने वहाँ सियासत हमेशा एंटी चौधरी के नाम पे की है। जब से ज़िला बनाया, ज़िला बनवाए मेरे वालिद साहब ने था, उसी वजह से हम चौधरी साहबान को हमें छोड़ना पड़ा। तो वहाँ अब भी जो मुस्लिम लीग नवाज है, ये सारी डेपोटेशन पे आई हुई है काफ लीग से, बेसिकली ये सारे चौधरियों के संग। हमने तो कहा जी वो डेपुटेशन पे हम उनको दोबारा अपने असल इदारे में जम करने के लिए तैयार हैं। जिस दिन चौधरी साहबान का कुछ भी इख्तदार हुआ, तो मंडी बाउद्दीन की तीन चार फैमिलीज ऐसी हैं जो जिनको हम महकमा मौसमियात कहते हैं। शुक्र करें कोई इन्होंने बात हमारे हक में भी की है। ये आपके हक में नहीं की, आपको इन्होंने बहुत ज्यादा छक्का मारा है, आप समझने की कोशिश। महकमा मौसमियात का उन्होंने जिक्र किया है ना, तो आपको पता है मौसम कभी अबरालूद होता है, कभी धूप निकली होती है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है। जिस दिन गेट नंबर 4 से सूरज आपके हक में चढ़ेगा, जितने डेपुटेशन पे नून लीग में गए हुए लोग हैं वो आपकी तरफ आ जाएंगे। वाह 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 वाह, देखो बाकी छक्का है, लेकिन छक्का साड़ी फेवर गया है। वो ठीक है, लेकिन आप तो ओन करते हैं, ओपन कहते हैं आप। लेकिन ये बताएं, ये सब आपकी बात मुझे पसंद है कि आप चीजों को करने बड़ा क्लियर क्लियर करते हैं। नहीं, क्लियर होनी चाहिए बात, क्लियर होनी चाहिए। फिर छोड़ी क्यों, ये जो आपने ओहदा छोड़ दिया सेक्रेटरी जनरल का पीपल्स पार्टी का, इसकी क्या वजह? देखिए, इसमें बहुत सारी वजूहत और भी हैं। अंदर की गल है कि पार्टी के अंदर और भी असल वजूहत है, लेकिन क्योंकि मेरे भाई ने पीपल्स पार्टी छोड़ी, तो इखलाकी तौर पर अब मैं समझता था कि अब मुझे तंजीमी अहदे पर नहीं रहना चाहिए। जब मैं अपने भाई को कायल नहीं कर सकता, तो मैं दूसरे लोगों को क्या कायल करूँगा। तो ये इस मुल्क में कभी किसी ने उदा छोड़ा नहीं, नहीं छोड़ा। ऐसे कोई दो रुपये को नहीं छोड़ता। शुक्रिया अदा करता हूँ चेयरमैन साहब का, और को चेयरमैन ने मुझे तीन चार महीने मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, आप काम करें, कोई मसला नहीं।
लोग आते जाते रहते हैं, भाइयों में भी फैमिलीज में भी इख्तलाफात हो जाते हैं। मैंने कहा नहीं जी अच्छा, गोदर साहब को आपने कन्विंस करने की कोशिश की कि आप ना जाएं उधर, या बात ही नहीं हुई तब आपको, तब पता चला नहीं, जब नहीं, वो चले मैंने गए? गोदर साहब को बिल्कुल नहीं कन्विंस करने की कोशिश की, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। वो मेरे से बड़े हैं, वो प्योर पार्टी में भी मेरे से सीनियर थे, और हमें प्योर पार्टी में वो लाए थे, मेरी फैमिली को वो गोदर साहब लाए थे। सही, गोदर साहब पुराने भाई बर्द जाले थे, तो मैंने उनको कन्विंस करने की कोशिश नहीं की। थोड़ी बहुत डिस्कशन हमारी हुई, लेकिन वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनको कैसे कन्विंस कर सकता हूँ। उनका अपना डायरेक्ट तल्लक था जरदारी साहब के साथ भी, बीबी के साथ भी, तो उनका बहरहाल उनका छोड़ना सच्ची बात है अफसोस हुआ था मुझे। अच्छा फैसला कैसा है, उसको आप तनकीद की नज़र से देखते हैं या समझते हैं? मुबारक दी आपने, तो इंटरव्यू शुरू करते हैं, बात तो करने देना। ये आप उनसे सवाल कर लें। नहीं, आपकी ज़ात के हवाले से पूछ रहा हूँ, आपको कैसा लगा? देखिए मुझे तो अफसोस लगा, मुझे तो अफसोस लगा। ये वजह क्या बनी? इसलिए कि जी मैं समझता हूँ कि हमारे बहुत सारी, हम एक ग्रुप थे अच्छा, बहुत बड़ा एक मतलब लोग थे हम, ख्याल लोग थे हम पार्टी के अंदर, जिसमें नूर आलम खान भी था, मुर्तजा सत्ती साहब भी थे, हम गोंदल साहब थे, ये सारे लोग थे जो हमारे लाइक माइंडेड थे। हम हर पार्टी के अंदर इकट्ठे होते थे, हॉक्स थे हम हर हवाले से। ये हॉक्स क्या थे? बस ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना खाली सुन लिया करते। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि हम जरा तादाद में कम हो गए पीछे पार्टी में, जो बोलने वाले लोग थे वो कम हो गए, क्योंकि पार्टियों के अंदर भी तो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, कोई कारपोरेट ग्रुप होता है, कोई मालिशिया ग्रुप होता है, कोई दरबारी ग्रुप होता है, कोई इंटेलेक्चुअल ग्रुप होता है, कोई सच्ची बातें करने वाला होता है, और कोई होता है कि सच्ची बात नहीं करनी किसी सूरत भी, कुछ होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं का मूड देख के बात करते हैं। तो पीपल्स पार्टी में कौन डोमिनेट कर रहा है, कौन सा ग्रुप? वक्ति वक्ति और फसली बटेरे। हाँ जी, वक्ति और फसली पार्टी कोई भी जमात हो, मेरे ख्याल में अल्टीमेटली इज्जत उसी की होती है जो सच्ची बात करता है। वक्ति तो तरक्की नहीं करता, तरक्की कम करता है। तरक्की हमेशा क्या जो मूड देख कर बातें करते हैं ना, वो ज्यादा करते हैं, डोमिनेट वो कर जाते हैं। और फिर जिनका क्यादत के नजदीकी लोगों के साथ ताल्लुक होता है, क्यादत के स्टाफ के साथ, उसकी मंजूर नजर जो होते हैं वो तरक्की करते हैं। सर एक छोटी सी और बात मुझे पूछनी है, आप ये मैं आपको सारी पार्टियों का बता रहा हूं, हर पार्टी दे ले, मुस्लिम लीग दे ले, पीटीआई देख ले, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चौधरी इतजाज अहसन जो है, आपके ख्याल में वो किस ग्रुप में फॉल करते हैं? वो पीछे रह गए। चौधरी इतजाज अहसन हमेशा सच्ची और खरी बात करते हैं, पार्टी के अंदर खुलकर राय देते हैं, शहरी रमान खुलकर राय देती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो खुलकर राय देते हैं, मियां रजा रबानी साहब खुलकर राय देते हैं, ऐसे लोग हैं, बिल्कुल हैं पार्टी में। यार तू मेनू मशवरे दे रहे हैं, तू सारे उन्होंने देते जाने। चोई साहब आप उनसे कुछ सीखेंगे? आपको पता है कि ये बड़े सीजन किस्म के पॉलिटिशियन है, और अवामी जो आप जो ले देंगे वही पहनी है ना, हम अपने पास गुजरात का और जुत्ती का तल्लक तस्मे भी तीन तीन बंदे ने, ताकि चोरी ना हो जाए। चोई साहब आप मेरा 5 फुट 11 इंच का दे, आपने शूज पे ही मेरे नजर रखी है, इसकी क्या वजह है? वो गुजरात का नाम लिया ना उन्होंने। अच्छा इस वजह से। अच्छा जी चंद साहब ये बताएं कि गोदर साहब जब गए तो उन्होंने आपको वजह नहीं बताई क्यों गए? गोदर साहब से आप खुद पूछ रहे हैं? मैंने पूछा था उनसे, वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी ने डिलीवर नहीं किया। ये अब वो मैं उसके ऊपर कमेंट्स नहीं करूंगा, डिलीवर नहीं किया, मैं उसके ऊपर कमेंट्स नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा उनके साथ एक एहतराम का रिश्ता है, और मेरे ख्याल है आप ये सवाल उनसे ही करें तो बेहतर है। अच्छा जरा मेला लाया जी लाहौर पिछले दिन, अजय मेले जरदारी साहब लैदा, इमरान खान लैदा, इन्हीं की वजह बनी? देखिए हर पार्टी का अपना अपना नज़रिया होता है, और मेरे ख्याल है वो दोनों पार्टियों में ये जो स्टेयरिंग कमेटीज थी हमारी, जिसमें हमारी प्योर पार्टी की तरफ से भी 3 लोग थे और पीटीआई, ये उस कमेटीज का कादरी साहब के लोग भी थे, उनका फैसला था कि पहले पहले सेशन की सदारत जरदारी साहब करेंगे, दूसरे सेशन की तरफ खान साहब करेंगे। अच्छा चंद साहब आपके बारे में लोग ये भी कहते हैं, ये भी एक तासर है कि आपने इसलिए भी इस्तीफ़ा दिया कि आप ये समझ गए हैं कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की ना वो साख रही है, ना वो उसमें नंबरिंग की जो अगर गेम देखें वो रही है, तो उस वजह से बेहतर है कि पीछे रह के काम किया जाए। सेक्टरी में तो बहुत भागदौड़ करें। मैं सब बात ये है कि मैं काम करने वाला बंदा हूँ, और मैं रुके हुए पानी का बाशिंदा नहीं हूँ। हम तैरते पानी में, बेशक हवा की उल्टी रुख हो, पानी के उल्टे रुख भी हम तैरने के आदी हैं, क्योंकि हमने मुशर्रफ दौर में भी काफ लीग ने सारा जोर लगा लिया था, मैं तहसील नाजम था, और हमने प्योर पार्टी के टिकट पर सारी सीटें जीती थी, और उस वक्त खड़े भी गए, बड़ी ऑफर्स थी, बड़े लोग चले गए फिर वापस आते जाते रहते हैं, लेकिन वो ऐसा कोई इशू नहीं है।
पार्टी नज़रियात के साथ सियासत करे, पार्टी आइडियोलॉजी के साथ सियासत करे, पार्टी की क़यादत इज्जत दे, तो सीटें जीतना हारना ये कोई मानी नहीं रखती। अरे जान साहब, ये बात बताए ना कि मुझे याद है कि काम आपने भी अपने हल्के में बड़ा कराया, हमने भी बड़ा कराया, आप भी हार गए हम भी हार गए, काम करवाने के बावजूद हम हारते क्यों हैं? देखिए, आप चौधरी परवेज अली साहब ने बहुत काम किया है, लेकिन आपके लोगों ने करप्शन बड़ी की है। और फिर पीपल्स पार्टी ने कौन सा नहीं किया? आपने, मेरी बात सुने ना, फिर हाँ आपके लोगों ने करप्शन बड़ी की है, फिर आपने अपने मुलाजमीन को सियासी लोगों के ऊपर हावी कर दिया था। अब मैं नाम नहीं लूंगा ना आप नाम लेंगे, हाँ तो ये इस वजह से मैं समझता हूँ आप पार्टी नहीं बन सके। हालांकि मीडिया आपके साथ बड़ा था, एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट भी आपके साथ थी, जनरल मुशर्रफ की सपोर्ट भी आपके साथ थी, और वक्ती तौर पर आपने, मुझे याद है कि जब हमने काफ लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा 2001 में हाँ लोकल गवर्नमेंट का, तो नून लीग का कोई बंदा नायब नाजम भी हमारे साथ बनने के लिए तैयार नहीं था, ये पोजीशन थी। जब एस्टैब्लिशमेंट 2002 में हमें कहीं नून लीग नजर नहीं आती थी, और 15 सीटें थी मेरे ख्याल में नून लीग जीती, हाँ 2008 में नून लीग का टिकट कोई नहीं लेता था, एवं ही उन्होंने वर्करों को वो टिकट दिए थे। देखें सही, आप समझते हैं कि करप्शन की वजह से ये इनकी पार्टी का ही हाल हुआ है? हाँ देखिए, ये पीपल्स पार्टी का भी इसी वजह नहीं, से हाल ये हुआ थोड़ा है। सा बात नहीं, उसमें बहुत सारी वजूहत है। एक जी तो आप अवामी सियासत नहीं कर सके, आपने लोकल गवर्नमेंट वाली सियासत की, जस तरह वो लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैनों को खुश रखा जाता है ना। इतने डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने शुरू किए, डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने आपके किया। हल्कों को भी गैस दे दी। अच्छा, आप ये बता दें कि आप लोग क्यों आ रहे फिर, आपकी बैड देखिए, गवर्नेंस हमारी नहीं भी हो बैड गवर्नेंस, एस्टैब्लिशमेंट का खुश ना होना, नहीं सेक्शन आप भी, देखिए आप मेरी बात तो करने जी। दें, हाँ आप करें, माने या ना माने, आप ठीक मेरी राय में ठीक इख्तलाफ हो सकता है ठीक, मुझसे, कल करो कल सेक्शन करो। आप मीडिया का हमारे खिलाफ होना और हाँ इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट का भी हमारे खिलाफ होना, हाँ ये इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट भी किरदार अदा करती लेकिन है। बहुत किरदार होता है। अरे सानू अभी तक पता ही लगा। अरे तो हाँ आटे नहीं, सऊदी अरब आपका, ना तल्ला कोई नहीं ना, आप इससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं की ना नहीं, आपने नहीं, फिर से। लेकिन स्टैब्लिशमेंट ने जो यहाँ की है उन्होंने तो हमें कहा कि ऐसी तो डाल है। अच्छा, आप चंद साहब, आप जब पार्लियामेंट में थे तो उस वक्त भी आप बड़ी ओपन तकरीर किया करते थे, बड़ी सच्ची बातें किया करते थे, और टीवी चैनल्स पे भी आके बड़ी सच्ची बातें किया करते थे, लेकिन उन बातों को बहुत सारे लोग तनकीद किया करते थे जो आज वो बातें कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि उस वक्त ठीक था या आप ठीक है? देखिए जी, अपना अपना मेरे ख्याल में तरीका होता है। मैं तो जो बात, मैंने जो ट्रेनिंग है मेरे वालिद साहब ने, मेरी फैमिली ने जो की है, मैं तो कहता हूँ कि कोशिश करनी चाहिए कि पॉलिटिशियन को रोल मॉडल होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। मॉरालिटी के ऊपर बुनियाद होती है पॉलिटिक्स की, अगर आप मॉरालिटी को खो देंगे तो फिर आपको सियासत करने का फायदा नहीं है। मेरे सही तो बात, वेला है, मैं रोल हुआ ना, मैं मॉडल जरूर हूँ। हाँ ये बात तो है, हैं? ये बात तो है, लेकिन आपकी जो सियासत नहीं है। या मैं ये बेशक चौधरी साहब से मेरे सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि चौधरी जहूर लाई साहब की फैमिली को या चौधरी शुजात को लोग इसलिए पसंद करते हैं कि वो सीधी सीधी बात करते हैं, हाँ लगी लिपटी रह दे, वरना मालशिये भी बड़े और ने। अगर चौधरी शुजात की बात चौधरी परवेज अली साहब मान देते तो शायद आज ये हाल ना होता। ये बताएं मुझे कि ये आपने बड़ा फूलों वाला, बड़ा रंगीन तो नहीं, खैर कह सकते इसको ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन बड़ा फूलों शुरू वाला मफलर डाला है, इसकी क्या वजह है? जिस तरह की सियासत है उस तरह का मफलर है। मैं समझा नहीं फिर हाँ, ठीक ये है। आस्ता आस्ता ये भी रंग तब्दील करेगा। अच्छा, ये रंग तब्दील कर रहा हैं, है। जिस तरह अच्छा सियासी रंग तब्दील हो रहे हैं ना, मफलर भी तब्दील करेगा। लेकिन ये जो हमारे जो चेयरमैन साहब है ना, उमर नजर शाह साहब, जी, ये उन्होंने भेजा है, अच्छा, माशाल्लाह, जो इस वजह से पाना भी जरूरी है। नहीं बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो बाकी वो त्रिपदा उम्र भी तो कहता है एक तो ठंड भी, ठंड है, ठंड भी नहीं रात में लगती, जहाँ लगे सिर भी बाल लेना है। एक तो ठंड नहीं लगती, दूसरा सीने की बहुत सारी चीज़ें रात से छुपा लेता है ये। हाँ सही बात है, सही बात। अच्छा, चंद साहब ये बताएं कि सेनेट का इंतखाब होगा ही नहीं होगा? मेरे ख्याल में तो हो जाएगा, हैं? मेरे ख्याल में हो जाएगा, मेरे ख्याल से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप लोग होने नहीं दे रहे। ये बलूचिस्तान में क्या किया है? बलूचिस्तान में हुकूमत चेंज होगी, उनको वो अलग बात नून है लीग कि की प्रायोरिटी नहीं थी बलूचिस्तान, हाँ लोग उनको छोड़ गए। वो अलग बात है, हमारा 5 वोटों वाला बंदा वज़ीर-ए-आला बन गया है, लेकिन सेनेट का इंतखाब जो है लोग कह रहे नहीं होगा। सेनेट के लोगों को कभी मियाँ साहब ने नाश्ता भी तो साथ नहीं करवाया ना, बलूचिस्तान के लोगों बल्कि को चंद साहब ना, इसको इस तरीके से ले लेते कभी हैं, उनको साथ खाना नहीं खाया खाना बैठ नहीं कर, खाया कभी उनको वो इज्जत नहीं दी जो अपने चंद दोस्तों को देते हैं। देते हैं।
कभी बलूचिस्तान के वजीर आला को मियाँ शहबाज शरीफ की जरा साथ लेके तुर्की या चाइना या लेकर नहीं गए थे। वाह वाह, गल है, गल है, पता नहीं गल की। बल्कि लेकिन मैं चल साहब इसको किसी एक और सूरत में ले लेते हैं कि अगर तीन फर्ज करें कि सूबों की असम्बलियाँ टूट जाएं किसी ना वजह, उसकी वजह कोई भी हो, तो फिर भी इलेक्शन हो सकती है। लेकिन कानूनी पोजीशन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन इखलाकी तौर पर फिर इलेक्शन नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। क्या कहते हैं जी वो, क्या होता है वो, उसी पूरा नहीं होगा। हाँ जी, वो फिर इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज, वो पूरा नहीं होता। इसके बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि इम्कान नजर आ रहे हैं और इसमें पीपल्स पार्टी भी उतना ही हिस्सा डाले। नहीं, सिंध गवर्नमेंट का तो अभी तक फैसला, कोई ऐसी बात डिस्कस भी नहीं हुई कि असेंबली तोड़नी है या नहीं तोड़नी। जाहिर है आपसे सारी बातें थोड़ी डिस्कस होती है मीटिंग के अंदर। कुछ चलो बंदे को कोई उड़दी उड़दी खबर तो मिल ही जाती है ना। उड़दी उड़दी नहीं मिली, वो जिस दिन वो था अपना ये क्या कादरी वाला शो, जी जी, उसमें तो मीडिया पे आ भी गया कि जरदारी भी ऐलान करेंगे और इमरान खान भी ऐलान करेंगे असेंबलियाँ तोड़ने का। नहीं, उससे पहले हमारी मीटिंग हुई थी, कोई ऐसा इशू नहीं था। अच्छा, अब अलबत्ता जब एक दिन पहले खाने पे आए थे तहरुल कादरी साहब, तो जरदारी साहब के साथ 2 घंटे लहदा मीटिंग करते रहे, तो उस मीटिंग में हमें तो ये था कि शायद कोई ऐसा इशू आ जाए कि असेंबलियों का इशू था, लेकिन मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं है। अरे चैन साहब, मुझे जो है ना वो उड़ती उड़ती रिपोर्ट मिली है कि आपके जो हल्के के लोग हैं, जाहिर है हमारा ज़िला भी साथ लगता है, वो ये चाहते हैं कि चैन साहब आज़ाद इलेक्शन लड़े जीत जाएंगे, पीपल्स पार्टी से लड़ा फिर भी हारेंगे, नून लीग से लड़ा फिर भी हारेंगे, और PTI था तो कोई कह रहे थे कि वो फिर थोड़े वो गोंदल साहब ने लेकिन लोग तो चाहते हैं कि मैं असेंबली में आऊं, क्योंकि लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। अब उस इलाके की नुमाइंदगी या मुल्क में लोग कहते हैं, अब मैं तो अपने मुंह से थी, तो लोग कहते हैं कि आपकी कारकर्दगी असेंबली में अच्छी थी या अच्छी थी, लेकिन मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी से भी मैं जीतूंगा इंशाल्लाह ताला। बाकी गल है इंशाल्लाह। चल साहब, आप जब जीते थे तो अब पार्टी ने कुछ ज्यादा आपको अहमियत नहीं दी, अब ज्यादा दी है जब आप, इसकी क्या वजह पार्टी ने उस वक्त भी मुझे अहमियत दी और मुझे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मेंबर बनाया, मुझे पब्लिक अकाउंट कमेटी का पहले मेंबर बनाया, फिर चेयरमैन बनाया। एक दफा MNA रहा हूँ, मेरी पहली असेंबली थी तो 342 के हाउस में कितने लोगों को लोग जानते होते हैं। तो पार्टी, तो आपकी अपनी शख्सियत है, पार्टी के अंदर भी बड़े बड़े सीनियर लोग हैं जो मैं समझता हूँ कि अब हमसे पीछे हैं। नहीं, वो तो अपनी शख्सियत होती है, आप अपना आपका काम होता है, अपनी लीडरशिप की कोई मेहरबानियां होती है, पार्टी का कल्चर होता है, पार्टी का कल्चर भी मेरी फेवर में है, लीडरशिप भी मेरी फेवर में है। पार्टी अपनी पार्टी से किसी किस्म का लीडरशिप से या पार्टी के कल्चर से या पार्टी की जो लोग हैं उनसे मेरा कोई खिलाफ नहीं। चंद दबड़ कनाती है। अच्छा, चंद का वो नाम बता दे हमें ताकि हम उसे थोड़ा बता रहे हैं। वो नहीं मैं बताता। अच्छा। वो इसलिए नहीं बताता, आप खुद ढूंढ ले। नॉन इलेक्टेड लोग हैं, ज्यादातर नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनमें। अच्छा, ये भी कहा जाता है ना कि पार्टी के ऊपर होल्ड अभी भी सरदारी साहब का है, बेचारा बिलावल तो NGA बस। नहीं, पार्टी की तंजीम साजी पे टोटल बिलावल साहब अपना इख्तियार मशवरे के साथ करते हैं, मशवरा पार्टी के लोगों से भी करते हैं, जरदारी साहब से भी करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं रहेगी। बात जरदारी साहब की तो वो दूसरी पार्टियों के साथ जो बातचीत होती है या इंटरनेशनल अफेयर जो है फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड, उस पर जरदारी साहब ज़्यादा ज़्यादा फोकस रखते हैं। तंजीम साजी पे जरदारी साहब बिल्कुल मदाखलत नहीं करते, वो बिलावल साहब। लेकिन आम वोटर जरदारी साहब से खुश नहीं है, इसकी क्या वजह है आपका पार्टी का? जब हम उनसे बात करते हैं वो कहते हैं जरदारी साहब बिलावल को ज्यादा करते हैं। पार्टी के वोटर तो खुश हैं, जो पार्टी के लोग हैं वो जरदारी साहब से खुश हैं। असल में एक जो मीडिया, जो जरदारी साहब ने अलग के मीडिया को बड़े नवाजा भी है, बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े मीडिया मालकान को नवाजा है। अच्छा, मालकान को नवाज रहे हैं। मालकान को भी नवाजा वो हर को नवाज रही है। अभी अभी मियां साहब भी नवाज रहे हैं, ये ज्यादा नवाजते हैं, ये सरकारी पैसे से नवाजा है। जरदारी साहब जाती तौर पर भी लोगों को नवाजा है, लेकिन फायदा तो कोई नहीं होया ना। फायदा ये तो उनके जरफ की बात है, फायदा कोई नहीं है, जो खा पी कर डिकार मार गए। आप समझते हैं कि मीडिया के लोगों को नवाज लेने से और काम ना करने से काम बन जाता है? देखे, फर्स्ट आपकी जो डिलीवर करना पड़ेगा जी, रोल मॉडल बनना पड़ेगा। सही, गवर्नेंस अब नया एक टॉपिक आ गया है। सही, ये अब नई जो यूथ है
या नया जो पाकिस्तान में टापा गया वो है गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस, सही ये आप लोगों को पता चल जरूरी हो गया, ये बहुत जरूरी। लेकिन आपने सिंध में सीधे 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 गल है, गुड गवर्नेंस भी तो आएगी जब करप्शन खत्म होगी वो ठीक है, लेकिन मेरिट होगा। लेकिन चौहान साहब इन्होंने सिंध में भी कोई सबक नहीं सीखा, वहाँ उसी तरह गंदगी के ढेर हैं उसी तरीके से। सिंध में देखें आप हेल्थ में जितना सिंध में और एजुकेशन में जितना सिंध में काम हो रहा है इतना दूसरे किसी सूबे में नहीं हो। सर वहाँ पे देखो लड़काना की सड़क आज भी आप, मैं आपकी टीम के साथ चौधरी साहब को भी साथ ले चल, हालांकि हमारी हुकूमत का असल फल तो आखिर मैंने नहीं खाया है ना, अरे परवेज भाई ने खाया था यार। लेकिन सर पहले सेनेट का सेनेट की सीट भी इनको दी, लेकिन सर वहां पे वो हमारे कोटे से मिली। नहीं बस रहने दो। अच्छा ये बताएं ना, ये भी बताएं कि ये जो कहा जाता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है एक तो पंजाब में जिस तरह उन्होंने तंजीम साजी की है, अब मेरे ख्याल चौधरी मंजूर साहब आ गए आपकी जगह पे सेक्रेटरी जनरल, तो ये पंजाब में वो जो तब्दीलियाँ आई हैं इसका कोई फायदा होगा? और कामरेड है तो मेरे ख्याल है वो नजरियाती लोगों को ज्यादा काबिल कबूल होंगे और पीयूष पार्टी को वापस नजरियाती बुनियादों पर लेकर वो मुझे भी बताया ना, कैरा साहब के साथ इनकी जेनी या मांगी नहीं थी इस वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया है, अब कर रोक बहुत ज्यादा है। कैरा साहब आपके जिले से डायरेक्ट आपके मुखालिफ है तो आप चाहते हैं कि जैसे तलकात आपके उनके साथ है ऐसे मेरे भी हों, मेरे उनके खानदान के साथ बहुत अच्छे तलकात हैं। सियासी तौर पर छोटे मोटे सोच में फर्क हो सकता है, इख्तलाफात या तलकात में खराबी में कोई वजह नहीं। अच्छा एक एक, एक मरतबा मैं फिर वो तालीम के हवाले से देखें, आपके वहाँ पे सिंध पे टीचर्स की अगर देखें उनकी हड़ताल रही, लोगों को ये बताया गया कि जरा पैसे लेके भर्तियाँ हुई, अभी भी देखें कि वहाँ डोमिनेट कर रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं जो पंजाब में बीकन हाउस सिटी स्कूल सिस्टम, मैं तो सिंध की बात कर स्कूल ये मैं सर सिंध की बात कर रहा हूँ, तो मैं पंजाब में चले फर्ज करें बहुत बुरे हालात हैं, 50% से ज्यादा सूबा तो पंजाब है ना। और मैं कहता हूँ कि सिंध में मैं आइडियल नहीं कह रहा, सही मैं कोई ये तो आपको नहीं कह रहा कि मेरी पार्टी की हुकूमत है और आइडियल है, बैड गवर्नेंस देखें अब थर में जितना काम पीयूष पार्टी ने किया है इससे पहले इतना काम आज तक, लेकिन जितने बच्चे इस दौर में मरे हैं जितने मोर मरे हैं जितना मीडिया एक्टिव अब हुआ है इतना पहले नहीं था ना। क्या वजह मीडिया क्यों एक्टिव हुआ? उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, कुछ वजूहत आप जानते हैं कुछ मैं आपके प्रोग्राम में मुझे यकीन करें कुछ नहीं पता, मुझे बात बताएं मुकदा क्यों होनी अपने फैसले खुद क्यों नहीं करते करने चाहिए है ना, करने चाहिए बिल्कुल, ये हमारे करेक्टर की कमजोरी होती है कि हम उधर देखते हैं फिर दूसरों को बदनाम करते हैं, ये असल में हमारी खुद अपनी कमजोरी है। अगर हम खुद डिलीवर करें, हम खुद रोल मॉडल हों, हम खुद अच्छी गवर्नेंस दें, हमारा वोटर हमसे मोहब्बत करें, तो अब मियाँ साहब अगर आते हैं कोर्ट्स में, अगर कौम मियाँ जो रोजाना मैं सुनता हूँ कि ये 20 करोड़ अवाम फैसला करेगी, 20 करोड़ में कम से कम 1 करोड़ ही अदालत के बाहर आ जाते, ये 1 करोड़ नहीं तो 10 लाख ही आ जाते, वो जो 100 होता है ना उसको 1 लाख समझते हैं वैसे वो हर मरतबा वही आते हैं, वो जो नहीं आपने पहले जो नाम लिया है मालसी है वो ज्यादा आते हैं। लेकिन नहीं है वोट लेना हुकूमत बनाना और लोगों के दिलों में घर करना ये अलग अलग चीजें हैं। अच्छा सर आपने लेकिन वो चकवाल के गवर्नमेंट की मिसाल सामने है जी बिल्कुल चकवाल का जो जिमनी इलेक्शन हुआ है वो तो मियां साहब फिर जीत गए थे। नहीं वो सिर्फ मियां साहब अपनी वजह से नहीं जीते, एक तो पीटीआई ने टिकट गलत दिया, अच्छा और एक जो चौधरी लियाकत साहब मरूम थे वो उनका अपना वो 5-6 दफा MP रहे, अजा, अजा, और उनका लोगों के साथ बहुत मेल मिलाप है, और उनका बेटा उनकी वफात के बाद इलेक्शन हुआ लोगों को हमदर्दी का वोट बढ़वा। तीसरा फैक्टर वहां सरदार गुलाम अब्बास जो उनका रवायती मुखालफ थे इस दफा उन्होंने बड़ी कंपेन की उनकी, तो वो जो दो ग्रुप थे एक जनरल मजीद ग्रुप और चौधरी लियाकत ग्रुप था और एक एंटी उनका ग्रुप था जो सरदार अब्बास ग्रुप था, वो दोनों ग्रुप इकट्ठे हो गए इसलिए ज्यादा वोट। अच्छा एक चीज मुस्लिम लीग का कमाल है, एक चीज मेरे जहन में आ गई क्योंकि गवर्नेंस की बात हुई और गवर्नेंस का बराह रास्त तलक आपसे है, वजह पता की है, वजह है कि आप रहे हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन, आपको ज्यादा पता है
इस गवर्नेंस की बेहतरी में या इसकी बदनामी में या इनके बेहतर ना होने के पीछे चीज़ें क्या होती हैं? जो आपने कहा था ना, ब्यूरोक्रेट होता है, कोई फलाह होता है, आपको भी पता है, मुझे ये भी पता है कि आपके ऊपर कितना प्रेशर होता था, कितने आपको टेलीफोन आते थे, तो गवर्नेंस का तलक तो फिर आपसे भी है ना जी। बिल्कुल है जी चे साहब, आप होते थे उस वक्त, आपके दोस्त मीडिया सब के बहुत होते थे। सच्ची बात है, मैंने तो जितना रूल्स और जितनी चीज़ें पीएससी में सीखी हैं इतनी इससे पहले नहीं सीखी, या लोकल गवर्नमेंट में एज ए तहसील आजम सीखी थी या पीएससी में आकर सीखी, लेकिन उसका ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स नहीं होगी तो ये मुल्क कोई सिस्टम भी डिलीवर नहीं करेगा। में बदनामी नहीं, मैंने जी सही बात, ब्यूरोक्रेसी ये सही में रिफॉर्म्स जरूर करनी पड़ेगी, सर्विस बात स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, फाइनेंस की सर्विस अलहदा बनाने पड़ेगी। ये नहीं है कि एक बंदा पोस्ट ऑफिस में भी वो काम एक्यूरेट करे, वो फील्ड का वो डिप्टी कमिश्नर भी बड़ा आइडियल रहा हो और है। फिर वो उसका कभी फाइनेंस की पोस्टिंग ना हो और डायरेक्ट वो सेक्रेटरी फाइनेंस भी लग जाए, एडिशनल सेक्रेटरी भी लग जाए। फाइनेंशियल इशूज़, ये इशूज़ एक अलहदा इशूज़ है और इसके लिए मैं समझता हूँ कि फाइनेंस की सर्विस और बहुत सारी चीज़ें हैं, ये जो DMG ग्रुप्स की एक मोनोपोली है उनकी ये तोड़नी पड़ेगी। अच्छा सर, मैं लाजी एक ब्रेक लेना चाह रहे हैं या मैं ब्रेक चाह भी नहीं अच्छा है, एक एक छोटी सी बात कर लेते हैं, शुगर लेवल थोड़ा डाउन हो रहा है, छोटी कोई सी एक कोई बिस्कुट कोई केक खा लिए वो आ हैं जाते हैं, सियासी बात कर लेते हैं थोड़ा हैं। सा, अभी ब्रेक में थोड़ा सा टाइम जी है। कर चाय चाय हो जाए। अच्छा चैन साहब, ये केक भिगो के खाने वाला नहीं है चाय में, ये आप वैसे इसका एक एक इसको खाएं और ऊपर से एक सिप चाय कर ले तो ज़्यादा मज़ा देगा, ये अगर गिर गया तो फिर पार्टी का हाल होना है केक का भी। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो क्यों जी? जो केक मैं खाता हूँ वो मुझे पता है। अच्छा, तो आप वो हाँ केक रस खाते हैं ना, उसके शौकीन है, लेकिन ये दूसरा केक है। केक केक ही होता है, वो अरे भावे रस होवे तो भावे सादा हो। सादा होवे। हाँ अच्छा, जी असल में जुमला बोलिया अच्छा, चोई जी। साहब न, चोई साहब को लोग पसंद करते हैं ये जो बिस्किट या केक रस भे के खाते हैं ना, जी। ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल ये बात बिल्कुल जरूरी है, पसीना इस तरह साफ करना, हाँ बिस्किट भे के खाना। चलिए आपने ये शुक्र है नहीं कहा कि चोला पुठा करके साफ करना। नहीं, ठीक है वो जी। अच्छा चंद साहब, थोड़ी सी फिर चोरी साहब मुझे मना करते हैं कि संजीदा बात ना किया करो, संजीदा कर दे लेकिन नहीं करनी है। लेकिन 4 साल आपने ना मुस्लिम लीग नून के साथ जो है ना दोस्ताना ही निभाया है और उनके साथ पूरे साथ होके चले हैं, अब आके पता नहीं आपको क्या हो गया है, शायद आप अपनी आवाम को राजी करना चाहते हैं, अपने वोटर को ओ, राजी करना पंजाबी चाहते दा एक है नहीं, चंगिया दे लड़ लगे हैं मेरी झोली च फुल पै, ते हाँ। बैड़िया दे लड़ लगे अगले भी डुल गए। वाह 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 हाँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो अभी मैं समझता हूँ कि जिस तरह पहले चोई साहब के साथ काफ लीग के साथ हुकूमत बनाकर हमने कुछ अपना सत्यानाश किया, नहीं, सत्यानाश नहीं किया, बिल्कुल ठीक ही पंजाबी है, में कहते हैं रन दी कसर जो है वो इधर पूरी की। वो अभी 3 साल में जमहूरियत को मजबूत करते करते तो वो पार्टी का नुकसान हुआ तो चार साहब ये बात है मत भूलें कि जब हम आपके साथ थे तो आपकी हुकूमत ने मुद्दत भी पूरी की, क्योंकि हमारा आपके साथ होने का मतलब था कि वो भी थोड़े नाल ने। है। नहीं वो मुद्दत पूरी करने के साथ साथ जो खाद और यूटिलिटी स्टोर में आपने किया ना वो भी हमारा पूरा ही हो गया फिर। नहीं, उसके अलावा भी बड़े काम थे, हाँ, अच्छा अवाम की फलाह के बहबूद के बड़े बड़े मंसूबे थे, यूटिलिटी स्टोर तो आज तक नहीं संभला वैसे। हाँ अच्छा एक ऐलान किया ये भी खाली था, कर गया, वो भरे ही नहीं गया उसके बाद। हाँ अच्छा ये बताएं कि खाने पीने कीजिए, ये जवान दे जवान जी मैं तो अच्छे सब सादा खाना, हैं लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो खाना हलाल खाना, देखो ना चेहरे की खुशी तो रौनक भी दस दी कि ये हलाल ही मौला खाना का है। करम, दुआ भी हाँ मंगी दिए कि बिल्कुल। याला रोटी दे दी, दाल दे दी, साग दे दी, लेकिन दही हलाल। अच्छा सर तुम्हारी हाँ नहीं कहा वैसे शौक ना की खाने जाए, शौक ना की खाने जाए। शौक से तो मैं सब्जी गोश्त अच्छा देसी चूचा हो तो ज्यादा शौक, क्या बात है, देसी चूचे दी जड़ी यखनी देसी है चूचे में दाल माश हो या ना, देसी चूचे में गोभी हो। देसी चूचे की यखनी है ना सूफी बड़ी चंगी बनाता है, हाँ वाह डर डर वैसे मेरे क्या वो पिया करो, ठीक कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये देखें चंद साहब ने ये अच्छी बात की कि लेकिन देसी चीज़ें लगती नहीं आजकल, हाँ ये माशाल्लाह हलाल खाते हैं। ये चंद साहब मिलावट बड़ी होगी, मिलावट बहुत है। मिलावट तो अब इंसानों में हो गई है, अब खुराक क्या रहेगी। हाँ लेकिन अच्छा आपके हल्के में तो माल्टे शाल्टे भी बड़े होते हैं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, हैं बिल्कुल होते हैं। हाँ तो वो भी तो खाया पिया करो, विटामिन सी नहीं आजकल आजकल मौसम है यार। हाँ अच्छा चंद साहब, जो आपने हलाल की बात की वो तो ठीक है, लेकिन आपकी पार्टी भी हलाल ही खाती होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन तासुर क्यों नहीं बन पाता कि आपकी पार्टी हलाल खाती है? फिर आपका सवाल करते हैं। देखिए नहीं मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि नथिंग इज इक्वल, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हाँ
हर किस्म के लोग हर पार्टी में होते हैं। वैसे यार बाकी पंजे उंगलियां बराबर तो नहीं है, चौधरी साहब आज देखी है आपने, हर किस्म के लोग हर पार्टी में होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो नेक नामी बनाने वाले और बदनाम करने वाले, ये डिपेंड करता है हदायतकार के ऊपर कि वो कौन सी फिल्म को ज्यादा चलाता है। तो आप ये बताए ना कि आप हदायतकार की बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी की नेगेटिव फिल्म ज्यादा चलाई गई है, पॉजिटिव फिल्म आज तक किसी ने चलने नहीं दी। पॉजिटिव तो चलाई नहीं, वजह पॉजिटिव तो चलाई नहीं, मीडिया मैनेजमेंट कह लें, गेट नंबर 4 कह लें, हमारे शारा है दस्तूर पे जितने बड़े बड़े दफ्तर हैं इनकी मोहब्बत कह लें। लेकिन सर चैन साहब हूँ गेट नंबर 4 नहीं, हूँ गेट नंबर 5 तो गेट नंबर 2 भी बड़े मशहूर ने। नहीं मुझे नहीं पता उसका, आपको पता होगा ना, जरदारी साहब को पूछना है बल्कि बिलावल साहब भी मुझे नहीं बताते। नहीं 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 वो रातों को जहाँ जाते हैं वो हमें पता है। लेकिन अभी तासर तो यही है कि आप भी गेट, कोई गेट आपने भी मुंतखब कर लिया, किसी गेट से इश्क हो गया आपका, आपकी पार्टी का मतलब। देखें पीपल्स पार्टी ने हर दौर में कोशिश की है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, सही हर दौर में, और हमने जो उनकी बातें मानी भी हैं, ये भी मैं हकीकत बताऊं, ये गलत है या सही है, लेकिन देखना है ये है क्या वो उनकी भी मोहब्बत हमारे से होती है कि नहीं होती। वो क्यों नहीं होती जी, क्यों नहीं होती? मेरे ख्याल आप होगी, आप हमें अपने साथ रखें, आपकी उनके साथ मोहब्बत होगी, मोहब्बत होगी भाई। तो आप हमारे साथ ही हैं, अब आप आपका टांगा हम अपनी पार्किंग क्लास में ले आएंगे जब भी आप चाहेंगे। हाँ देखे ना, हाँ कादरी आंदा साढ़े वाले आ जाओ, ये आंदे साढ़े वाले आ जाओ, इमरान खान था साढ़े वाले आ जाओ, मैंने तिन्नों नूं आखिया मेरे वाले आ जाओ। हाँ ये बात तो ठीक है, मेरा ख्याल है आप कोई थोड़ी सी मोहब्बत पैदा हुई है, आप समझते नहीं है, आपका तबसरा क्या है? जिस दिन कामरान खान का शो हमारे हक में होगा उस दिन मैं समझूंगा कि अब मोहब्बत हमारे हक में हो गई। अच्छा जिस दिन और एक दो चैनल जब जिस दिन चलाएंगे तो फिर वो मेरे जैसे बंदे के भी बाल उगा देते हैं, कहते हैं क्या बात है नदीम अफसर के तो बाल इतने खूबसूरत लग रहे हैं, मेरा कान भी चुप जाएगा। आपसे तो सारा मीडिया नहीं, आपके तो बाल आए नहीं। मीडिया की मोहब्बत और होती है, एक पॉलिसी और होती है, जो मोहब्बत करते हैं वो इंडिविजुअली होती है और इंडिविजुअल के साथ। बाल क्यों लुवाए? मैं दिलवाया तुझे भी लुवा लो, जरूरत नहीं है। नहीं लुवा लुवाओ, यकीन में बड़े सोने लगोगे, जवान आदमी जी। चलो तो सोने लग के सर करना की है, पिछले दिन यार कोई नवा ब्याह करना हो, नहीं तो कर लो, आजकल ब्याह ही हो रहे हैं, सियासत नहीं हो रही, ब्याह हो रहे हैं आजकल। चलते ब्याह, चार शादी की इजाजत है, बेचारी गाड़ी खराब करता है। और अगर मुझे मेरी बेगम इजाजत दे दे तो मैं भी कर लूंगा, बेगम कहाँ इजाजत देती हैं जी, हैं बिल्कुल क्या बात है। लेकिन चंद साहब लोग ये कहते हैं कि आपकी जो आपकी फिजिकल अपीयरेंस होती है वो भी सियासत में बड़ी हेल्प आउट करती है, आपने कभी ये नहीं सोचा कि वैसे तो माशाल्लाह आपकी पर्सनैलिटी पे हमें कोई नहीं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, थोड़ा सा और एनहांस कर ले। फिजिकल अपीयरेंस से ज्यादा आपकी करेक्टर अपीयरेंस जो है ना वो ज्यादा मैटर करती है, आपके कॉलो फेल में तजाद ना हो ये लोगों को पता हो, तो ये तो कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। आप लोगों को ये ना पता हो कि ये आ रहा है तो ये ठग आ रहा है, कोई लोग दूर से बैठे ठग ना कहे, लोग ये ना सोचे आप मुझे मिले तो बाबा अपनी समझे कि मुझे कुछ देना ही पड़ेगा, मेरे हाथ की घड़ी नहीं उतार लेंगे। जी 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 जी, अगर मेरी गाड़ी देखेंगे तो जेलसी नहीं होगी, मुझे ये नहीं कहेंगे कि ये गाड़ी छोड़ जाओ। वैसे मैं भी जब उधर गुजरात के आसपास होता हूँ ना, वजीराबाद के इलाके जी जी, मैं भी ड्राइवर को कहता हूँ कि गाड़ी का शीशा भी बंद कर ला, लॉक भी कर रहा है। अच्छा तो जूती तो दसवें में घुट के बांध लेना है। अच्छा वो मतलब उसकी वजह कोई प्यार इतना प्यार मोहब्बत कर दे जूती गायब हो जाती है। चोई साहब ये तो वैसे आपने वैसे बात की है, लेकिन आपसे लोग एक बंदे की घड़ी उतार ली गई थी, उतारी थी ये मैं नहीं बताऊंगा। रहने दो आपने नहीं उतारी थी? नहीं नहीं मुझे पता है, असल लोगों को देना नहीं उतारना ले कोई नहीं। नहीं नहीं आप आपकी हुकूमत आ गई अगले दौर में वजारत लेना पसंद करेंगे? देखिए जी मैं तो वजारत तो ये मुकद्दर की बात होती है जो पार्टी फैसला करेगी, लेकिन कम से कम मैं समझता हूँ कि बंदा वजारत वो लो जिसमें कुछ डिलीवर कर सके, यही मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। और ये जो कोई एमए वजारतें ले लेना जिसमें सिर्फ झंडे और गाड़ी की शौक हो, तो मैं तो कम से कम ऐसी नहीं लूंगा। अच्छा चल साहब बिलावल की शादी करा दो यार, इंशाल्लाह होगी, इंशाल्लाह कुड़ी छोड़ी लगी जगह नहीं
अब ये तो वालदैन उनका काम है और उनके तो नहीं, जरदारी साहब आपकी आपकी पार्टी का चेयरमैन है लेकिन ये बिलावर हमारी खाई है ये ना इमरान खान नंबर ला जाए मैं किसी की जात के ऊपर मैं कमेंट्स इस तरह नहीं कर एक सकता। मुझे उड़ती उड़ती इतला मिली थी कि कुछ धमकी शमकी की वजह से आपने फैमिली बार शिफ्ट कर ली। हाँ मैं जब कुछ सेक्टेरियन इशू था तो मेरे बेटा एचिसन में पढ़ता था उसकी फिर मैंने माइग्रेशन बाहर करवाई कर दाखिल करवाया उसको कुछ सूरत हाल ठीक है। बस वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह 2-3 महीनों में। अच्छा, ठीक है। तो माइग्रेशन साढ़े वाल खत्म हो रही है फिर। आप मेरे चाचा जी हैं जब आप कहेंगे चाची साहब। लो जी चाचा जी मैं आपने हाँ हालांकि मुझे पुलिस से भी मरवाया आपकी पार्टी के दौर में मुझे तशद्दुद भी मेरे ऊपर हुआ लेकिन मैं फिर भी हमेशा एहतराम के लो साथ जी, यकीन मानो ये पुलिस ना थोड़ी जे ना साड़ी जे अपने आप की भी कोई नहीं है। तुम देखो नवाज शरीफ के नाल की क्या होंगे है। मंडी बाउदीन में जितना जुल्मो जबर आपने किया उसका नुकसान भी आपने उठाया नवाज शरीफ आज वो लोग के किधर है चोई साहब वो सारे नून लीग में चले गए हैं बकरी बटेरे आपके। नवाज शरीफ तो मनी लॉन्ड्रिंग भी पुलिस वालों के लिए कराता रहा है तो देखो इमरान खान ने इल्जाम लगाया है लेकिन लेकिन चोई साहब नवाज नवाज शरीफ तो बनेगा की जी बनेगा की। नवाज शरीफ के अभी मेरा नहीं ख्याल जो हमारी लोअर जुडिशरी जो है वो नवाज शरीफ को सजा देने की हिम्मत रखती है अरे और ना अभी मेरा ख्याल में कोई ताकत वाले धारे भी अभी नहीं चाहते कि उनको कोई इंतसाब हो। अच्छा चंद साहब पीपल्स पार्टी ठीक है दो दिन एक अच्छे छोटा साहब सा काफी ड्रामे ही हैं काफी ड्रामे बेहतर समझ दो। चंद साहब पीपल्स पार्टी तो है ही अच्छी लेकिन ये बताएं कि इन दो पार्टियों में से कौन सी अच्छी है मुस्लिम लीग नून या पीटीआई लेकिन दोनों पार्टियों में अच्छे लोग हैं यानी पार्टी ओवरऑल ओवरऑल कोई पार्टी ये आप चलें ये यू कर लेते हैं कि इमरान खान ज्यादा अच्छा है या उसका देखिए वीएन ज्यादा अच्छा है या मियां नवाज शरीफ का मैं मेरी बात सुने मैं समझता हूं कि लो जिस जी पार्टी में कॉरपोरेट कल्चर कम हो कोई आम आदमी की इज्जत हो वो किस में आम ज्यादा है आदमी और लीडरशिप का गैप ना हो आम आदमी की कभी सुनी जाए 80% तो आम आदमी है ना 20% की आप बातें करते हैं मीडिया भी असेंबली में भी डिबेट होती है तो एसआरओ के ऊपर डिस्कस हो रहा है अवामी टैक्स के ऊपर ही हो रहा होता है उनका। अवामी सवाल आ गया पूछें अवामी पूछें सवाल पूछें ये सवाल पूछा है जी जनाब फैसलाबाद जुत्ता बढ़िया मार दें तुम्हें पता है उन्होंने ये सवाल पूछे हैं उन्होंने कहा जी इनका नाम नदीम अफजल गोंदल है इनको चंद क्यों कहते हैं। चंद मेरे वाले साहब की वजह से कहते हैं शादी कार्ड में आज भी गोंदल ही लिखा हुआ है और अच्छा मैं गोंदल हूँ और जाट हूँ अच्छा। इसमें कोई शक नहीं आप यही कहना चाहते हैं कि जाट हो तो नाल देखे चने भी होंगे ना चने चढ़े लेकिन लेकिन चाहे हाँ। साहब जटों का मथे नुकसान जितना आपने किया है ना मेरे तेरे मथे तो चने चढ़े जितना जटों का नुकसान चौधरी साहबान ने खुद किया है ना किसी ने नहीं किया। अच्छा दूसरा सवाल है कि आसिफ जरदारी और अदाकारा मीरा में क्या फर्क है। आसिफ जरदारी एक पॉलिटिकल लीडर है और वो फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्टर है उनका हाँ। मवाजना कहाँ से आ गया नहीं आ गया नहीं नहीं पकी गल चले मैं एक वो मुवाजना मैं पूछ लूँ चौधरी साहब हाँ। आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब का मुवाजना कर दें इन दो से। देखिए मोहतरमा एक विजनरी लीडर थी एक बहुत बड़ी उनकी स्ट्रगल थी उनकी स्ट्रगल जेल से वो उन्होंने अपने उनके वालिद को फांसी घाट से उनकी स्ट्रगल शुरू हुई। आसफ अली जरदारी की फांसी घाट से स्ट्रगल नहीं शुरू हुई। आसफ अली जरदारी जो है उनके वो एक अमीर घराने से उनका तल्लक था उनकी ट्रेनिंग उनका जो वो कहते हैं ना एक बचपन से ही एक बंदा अमीर आदमी का बेटा हो तो उसकी और प्रवेश होती है और मोहतरमा जो है वो लेकिन एक कैद तो बड़ी काटी है इन्होंने भी जेलों में बड़ी कैद का देखें मैं समझता हूँ लेकिन फिर भी मैं अब मोहतरमा का और जरदारी साहब का कोई मवाजना नहीं है ये नहीं। ये बताए ना उनके हालात जिंदगी के हालात बड़े मुख्तलिफ हैं ये बताएं उनकी जिंदगानी मुख्तलिफ हालात में गुजरी। कैब अली शाह साहब का मुस्तकबिल क्या है बुजुर्ग हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए दुआ करनी चाहिए लो जी दुआ करनी चाहिए दुआ करनी चाहिए और अल्लाह उनको मजीद सेहत दे आमीन आमीन मजीद जिंदगी दे लेकिन शरीफ आदमी है वो अच्छा इसमें अच्छे कोई आदमी हाँ शक वाली बात नहीं बस ये कि अच्छे आदमी है कि उनको हुकूमत नहीं करने दी गई हाँ हैं ये इसीलिए हुकूमत करने दी गई अख्तियार नहीं दिया गया गलत है सारी लेकिन अख्तियार दिया ना लेकिन जी मैं समझता हूँ कि अगर मुझे इख्तियार नहीं दिया गया तो फिर मुझे सीट पे रहन क्यों रहता हूँ मैं मुझे छोड़ देनी चाहिए वो सीट। सही बात है सही बात है ठीक है ये तो मियाँ साहब भी कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश हो रही है हमें हुकूमत नहीं करने दी जा रही या तो जी आप नाम लें उन लोगों का जी या जी छोड़ जी के बैठे हैं आप आए कि हमें इस वजह से हम हुकूमतें छोड़ रहे हैं हमें नहीं करने दी जा रही आखिरी एक तो भी ड्रामा होता है। आखिरी सवाल है कि पूछे है कि जनाब चंद साहब से पूछें नवाज शरीफ जेल जाएगा कि नहीं मेरे ख्याल में नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा वही गल है तो फिर ये तसाब किस नाम का है
احتساب نہیں ہوگا اس ملک میں کسی تکڑے کا، اس ملک میں تکڑے کا اشرافیہ کا احتساب نہیں ہوگا، اس کو نااہل بھی کر دیا نا، کوئی احتساب نہیں ہے۔ آپ سپریم کورٹ میں کوئی جیلی کاغذ دیں، آپ نیال ہاشمی کی طرح گالیاں دیں، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ ادھر انٹرویو بیٹھ کے نہ کر رہے ہوتے، آپ جیل ہوتے۔ اچھا وہ گالی سے یاد آئے گا، عمران خان نے کیڑی چپل مار دی ہے، پارلیمنٹ کو کہہ دیا کہ لان تان کر دی، یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ اخلاقیات کے دائرے سے نہیں نکلنی چاہیے، اخلاقیات کے دائرے سے نہیں نکلنی چاہیے سیاست، لیکن عمران خان کو جتنا نقصان شیخ رشید صاحب پہنچا رہے ہیں شاید اتنی، یہ گہری بات کر گئے، یہ گہری بات یہ، جی جی، لیکن کیونکہ وہ آپ کے ٹرینڈ یافتہ ہے نا، آپ کا جتنے بھی ٹرینڈ یافتہ لوگ ہیں وہ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ عمران خان میرا ٹرینڈ یافتہ ہے، شیخ رشید، شیخ رشید تو نہیں پتا کتنا ٹرینڈ یافتہ ہے، وہ سیلف ٹرینڈ آپ کے پیسوں پہ، تو وہ خود کہتا ہے وہ تو اچھا جی، میرے خیال ہے وہ کہا ہی دیا، میرا خیال ہے گارا لا گئی۔ ناظرین چاندنی صاحب کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی، ساڈے والے آلو تیار ہو گئے، میں آج انہیں والے ہیں کہ میرے گھر آ جان گے، اجازت گھر میرا اپنا ہے، وہ ہے جی گھر میرا اپنا ہے، گھر کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بالکل بالکل جی، گھر اپنا جی، گھر پھر اپنا، احترام کا رشتہ اپنی جگہ، جی 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 جی، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔